हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 9.3 के बारे में, जो कि क्लास 6th की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट का डेटा दिया हुआ है कि बार ग्राफ के अंदर 1998 से लेकर के 2002 तक का डेटा दिया हुआ है। इसमें प्रोडक्शन दी जा रही है और यहाँ पे थाउजेंड्स में अमाउंट दिया गया है। इसी के बेस पे हमें बताना है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कब हुआ। मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ था 2002 के अंदर, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिमम प्रोडक्शन कब हुआ। 1998 के अंदर मिनिमम प्रोडक्शन हुआ, तो ये 1998 के अंदर मिनिमम प्रोडक्शन हुआ। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पे एक चीज दी जा रही है कि ऑब्जर्व करना इस बार ग्राफ को, और विच इज द शोइंग द सेल ऑफ सॉल्ट रेडीमेड सॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, रेडीमेड सॉप के थ्रू बताना है। अब देखिए, मंडे से सैटरडे तक रेडीमेड शॉप के अंदर ये हमारा डेटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अबव द बार ग्राफ गिव, इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है बार ग्राफ। पहला ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मंडे से लेके सैटरडे तक डेज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ शर्ट्स यहाँ पे दी गई हैं। दूसरा, स्केल क्या चूज किया गया हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करने के लिए। स्केल ये चूज किया गया कि 5 शर्ट है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट। अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऑन विच डे मैक्सिमम सेल कब हुई है। मैक्सिमम सेल कब हो रही है, मैक्सिमम सेल हुई है सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन कितनी हुई है, वो हुई है 60, आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 हुई है सेल, तो 60 सेल हुई है सैटरडे के दिन। और मिनिमम सोल्ड कब हुआ, मिनिमम सोल्ड हुआ हमारा ट्यूजडे को। और थर्सडे को कितना डेटा हुआ, थर्सडे को हमारी जो सेल हुई है थर्सडे को हुई है हमारी 35। यही क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आंसर्स कि सबसे अगर बात करें इस बार ग्राफ को क्या शो कर रहा है, तो रेडीमेड शॉप का मंडे टू सैटरडे तक का डेटा शो कर रहा है। एक यूनिट 5 शर्ट के बराबर बता रही है। सैटरडे के दिन 60 सोल्ड हुए थे जैसा कि मैंने बताया था, और ट्यूसडे के दिन मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुई हैं, तो ये ट्यूसडे को मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हो चुकी हैं। अब 35 कब हुई, ट्यूसडे को 35 शर्ट सोल्ड हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है, जिसमें कि सब्जेक्ट दिए हुए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज, और एक यूनिट 10 मार्क्स को बता रही है यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं। अब इस मार्क्स के बेस पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का डेटा दिया हुआ है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि ये बार ग्राफ शो कर रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाई अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अजीज एक नाम का लड़का है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या कर रहा है, उसके मार्क्स आए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे वो बता रहा है। अब दूसरा, नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कर रहा है, वो कर रहा है हिंदी के अंदर। आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है। अब नेम ऑफ द सब्जेक्ट इन विच हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स उसको कितने आए, वो आए सोशल स्टडी में, सोशल स्टडीज में इसको कम मार्क्स आए, तो ये सोशल स्टडीज आप हमने लिख दिया। अब पूछा जा रहा है कि स्टेट एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच देम। हिंदी में उसको आए हैं 80 मार्क्स, और इंग्लिश में आए हैं उसके 60 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में आए हैं उसके 70, साइंस में आए हैं 50, और सोशल स्टडीज में आए हैं उसके 40 मार्क्स। तो इसके बेसिस पे हमने उनके सबके मार्क्स लिख दिए। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने बार ग्राफ के बारे में देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।